नमस्कार दोस्तों बात है 10 अप्रैल 1912 की आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है ये जहाज साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में इस जहाज की कमांड संभाले हैं बासठ साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ पैसेंजर्स में पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटेनिक जहाज को लेकर आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है टू

दो बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर एक हीटेड स्विमिंग पूल टर्किश बात इलेक्ट्रिक बात एक जिम एक स्क्वाश कोर्ट चार रेस्टोरेंट्स, दो बारबर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटेनिक जहाज को बनाया था इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ दो ही दिन बाद बारह अप्रैल उन्नीस को टाइटेनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है यानी जिस एटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां पर आइस मौजूद है बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं आइस बर्ग जो खतरा हैं इस जहाज के लिए ये वार्निंग्स को इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आस वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है ध्यान से आगे बढ़ना इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटेनिक अपने कोर्स को दो बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती ट्वेंटी जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की दो दिन बाद 14 अप्रैल 1912, सात और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं Titanic की रफ्तार कम नहीं करते धीरे धीरे-धीरे सूरज ढल जाता है रात हो जाती है तापमान नीचे गिरता है इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात को। जहाज के ऊपर एक नेस्ट होता है एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है लुकआउट पॉइंट कह सकते हो यहां पर किसी को बिठा कर रखा जाता है हमेशा ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं कहीं कोई ऑबस्ट्रक्शन तो नहीं आ रही है तो जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है रात के ग्यारह मिनट फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा स्क्रोज नेस्ट में बैठा है अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ एक आइस बर्ग आ गया है जल्दी से तीन बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके फिर फोन उठाकर कॉल करता है 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 ऑफिसर्स को ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे एक बर्ग है। जल्दी से जहाज को मोड़ो फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है सिर्फ एक मिनट बाद ग्यारह बज के मिनट The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11.40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden, she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. I think a big ship like that could sink. It sank very quickly. यह आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था लेंथ में यह 200 सौ बाय चार फीट था एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और हाइट में यह क्रोज तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक का जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास हुआ अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने का ये वाला एरिया होता है बो बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं और उसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं करीब दस सेकेंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए आप शायद सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है अपने फ्रिज में रखी बर्फ को इस्तेमाल करोगे तो हाँ वो उससे मेटल नहीं कटेगा लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बर्फ का पार्ट हार्ड उसका खुद का वजन कितना होता है अब कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती लेकिन फिर भी आपकी मेटल की बनी गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा कर पूरा चकनाचूर हो सकती है तो सिमिलरली क्योंकि क्योंकि इस इस आइसबर्ग का वजन इतना इतना था इतना था ये बड़ा इसने टाइटैनिक इस जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रू तुरंत पहुंचे देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इंपैक्ट की वजह से देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा वो कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर इन्हें लगता था कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है कभी डूब नहीं सकता वीडियो के शुरू में मैंने बताया था इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था पहला इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो लेयर्स लगी है यहां पर अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी और दूसरा जो पूरी शिप की मेन बॉडी है जो हल है उसे सोलह अलग अलग वॉटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है सोलह में से चार कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आइसबर्ग से ये ये जो हुआ हुआ था एक्चुअली में में शिप के साइड में हुआ, तो वो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि सोलह में से छह वॉटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे उनमें पानी भर चुका था लिमिट चार तक की थी छह कंपार्टमेंट्स का पानी से भरने का मतलब था इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता यह अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और भेजते है और भेजते कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को बीस मिनट बाद ट्वेल्व ट्वेंटी ए एम आर एम एस कार्पेथिया एक जहाज जो टाइटानिक के पास मौजूद था सिग्नल को पकड़ लेता है रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर हम उन्हें बचाने जाएंगे प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में साढ़े तीन घंटे का समय लग जाएगा साढ़े तीन घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स जलाते हैं हवा में इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्पेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं की पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बोर्ड करने की जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनबल जहाज है कोई चिंता करने की बात ही नहीं आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो तो बार बार यही कहे जा रही थी तो हाँ हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें सिक्सटी लोगों की कैपेसिटी थी लेकिन सिर्फ अट्ठाईस लोग उस लाइफ बोट में गए आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया जहाज अब टिल्ट होने लगा धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली में जहाज डूब सकता है और जब पैसेंजर्स को ये रियलाइजेशन हुई तो जबरदस्त के हो गया और पैनिक में लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे रात के एक बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था जो बो था शिप का वो पानी के अंदर डूबने लगा इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी के बाहर आ गया जो प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गया पीछे से जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए प्रॉब्लम यह थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी जहाज पर सिर्फ बीस लाइफ बोट्स मौजूद थी जिस पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ एक लोग आ सकते थे लेकिन जहाज में दो के करीब लोग थे रात के दो मिनट आखिरी लाइफ बोट टाइटेनिक से पानी में उतारी गई लेकिन जहाज में अभी भी एक हजार पांच सौ लोग मौजूद इस केयस के बीच कुछ लोगों ने कोशिश करी थी लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे the chaotic, crying, praying, no, was, uh, आई विटनेसेस के अनुसार करीब दो बज के बीस मिनट पर जहाज दो टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया तीन घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए पानी का तापमान माइनस टू डिग्री सेल्सियस था इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया की वजह से टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे थे और जहाज के साथ डूब गए दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली चलाकर अपने ऊपर। जहाज जो टाइटेनिक के लोगों को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है साढ़े तीन चार बजे के बीच करीब एक घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे लेकिन जो लाइफ बोट्स में लोग निकल गए थे जहाज से करीब सात लोग थे उन्हें यह जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है वैसे यहां पर एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हायरेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि, कि किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब पाना बहुत टफ होता है आज के दिन कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं असाइनमेंट इंटरव्यूज एक के बाद एक कॉल्स और फिर दूसरी तरफ से जवाब मिलता है कि वी विल गेट बैक टू यू जॉब ढूंढना सही में बहुत मुश्किल काम है लेकिन जॉब ढूंढने का काम आसान बनाता है हायरेक्ट एक डायरेक्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप टीम लीडर्स और एचआर मैनेजर से डायरेक्टली चैट कर सकते हो और हायर हो सकते हो बिना किसी बीच के कंसल्टेंट के हाइरेट पर एक लाख बीस हजार से भी डायरेक्टली हायर करने लग रही हैं आपको कुछ नहीं करना बस सीधे मैच करवा देगा और अगर बात प्राइवेसी की रही तो आपकी कोई भी डिटेल्स बिना परमिशन के रिक्रूटर को नहीं मिलेंगे याद रखिए हाइरेक्ट है तो डायरेक्ट है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करो ऐप को डाउनलोड करने के लिए और अपनी नई अपॉइंट को करो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे कई हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने जिसको लेकर सब लोग रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात एक और जहाज मौजूद था टाइटेनिक से सिर्फ सैंतीस किलोमीटर दूर जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए यह बात सच है उस जहाज का नाम था एसएस एस कैलिफोर्नियन टाइटैनिक के आइसबर्ग से से टकराने सिर्फ एक घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का एस एस कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था उन्होंने कहा था सावधान रहना इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग्स हैं यहां पर उसके बाद करीब ग्यारह बज के मिनट पर रात के कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था वो उस समुद्र में आगे नहीं चलना चाह रहा था खतरे को देखते हुए खतरे को समझते हुए जहाज को रात के लिए रोक रखा था रेडियो टर्न ऑफ था यही रीजन था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज तक लेकिन ये जहाज एक्चुअली में टाइटेनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पर मौजूद थे टाइटेनिक में वो होराइजन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाने लग रहे थे तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा भी था कि वो देखो एक जहाज दूर दिखने लग रहा है वो जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएगा तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए रात के करीब बारह बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था उस जहाज से निकलते हुए टाइटेनिक से उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज पर उन्होंने कहा यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं वो पार्टी कर रहे होंगे अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें एसओ एस कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से ये वहां पर पहुंचते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। दोनों इंक्वायरीज जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालती हैं। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ इन एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता और भी लोगों की गलतियां थी लाइफ बोट्स वाला जैसे मैंने बताया सफिशियंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब नहीं सकता हमें यहाँ पर लाइफ बोट्स की जरूरत नहीं है इसके अलावा दूसरी चीज टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी ये सोचकर कि इस जहाज पे क्या जरूरत है ये तो अनसिंकेबल जहाज है अगली बड़ी गलती थी स्टियरिंग व्हील पर मौजूद स्टियर्समैन रॉबर्ट हिचंस की उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है तो जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को एक्चुअली में लेफ्ट साइड की ओर टर्न कर लो लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचिस ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट की तरफ मोड़ दिया यह उल्टी डायरेक्शन थी यह आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी तब तक बहुत लेट हो चुका था ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग्स दी गई थी कि आइसबर्ग है इस जगह पे आराम से चलो ध्यान रखकर चलो लेकिन फिर भी ये फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था जहाज ऐसा क्यों था क्यों कैप्टन ने यहाँ पर स्पीड को धीरे नहीं किया इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती है एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस जो की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के जो जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए प्रेशर बनाए रखा कंपनी की तरफ से यहां पर जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ छह दिन में ही कंप्लीट करना है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके हम यह दिखा सकें कि जहाज टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगा सबसे बड़ा बल्कि सबसे तेज जहाज भी है एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर को दो, दो बजे जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग है इसलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया अपने पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को ना पता चले क्रू मेंबर्स को ना पता चले वो नहीं चाहते थे कि यहां पर जहाज की स्पीड स्लो हो इसे एक डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया कई सारी नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए जिससे कि ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में ना हो 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे कि आने वाली शिप्स को हमेशा वॉन किया जा सके जो आइसबर्ग्स उनके पाथ में आ रहे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी एसओ एल एस एक ट्रीटी साइन करी गई जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप्स को लेकर जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज हैं उन पर सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए टाइटेनिक की जो रैकेज थी जब टाइटेनिक जहाज डूबा इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में सत्तर साल से ज्यादा का समय लग गया सिर्फ सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा समुद्र के नीचे 3,800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई दो अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है इन्वायरमेंट ने इसे धीरे धीरे इरोड कर दिया है एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूरी तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर लेकिन आज के दिन एक सालों बाद भी टाइटेनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के मन में अभी भी जारी है साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लीफ पाल्वर ने प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का एक कॉपी कैट जहाज लाइफ साइज मॉडल इन्होंने यह भी कहा कि वो सेम रूट पर चलेगा और उस जहाज के अंदर एक एक चीजें बिल्कुल एक्जैक्टली exactly उसी तरीके से बनाई जाएंगी जैसी उस ओरिजिनल जहाज में हुआ करती थी ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 तक खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन बहुत सारे डिलेस के बाद दो में भी यह खत्म नहीं हुआ है। कहा जाता है लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में क्योंकि अगर एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा उस टाइटेनिक uh, जहाज का तो उसमें कोई टेलीविजन कोई वाईफाई नहीं होगा और कोई एक्चुअली यूज नहीं करना चाहे तो हो लगता है ये अनसिंकेबल टाइटेनिक टू जहाज अपने बनने से पहले ही डूब गया वीडियो पसंद आया तो बर्मुडा ट्राइंगल वाला वीडियो जरूर जाकर देखना और एक और वीडियो जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको वो है एम एच वाला वीडियो हाइरेक्ट को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद